वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको फिर से स्वागत है मेरे किचन में। आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। ऐसा आपके साथ भी होता ही होगा, जब वो चीज़ें अवेलेबल होती है तब उसकी कदर नहीं होती, और जब वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तब उसकी बहुत ज़्यादा याद और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। उस तरीके से आज मेरे साथ हो रहा है। लाइक एज यू ऑल नो दैट आई एम इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर एंड राइट नाउ इट्स माई 9th मंथ। पहले मुझे किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती थी, कुछ भी नॉर्मल मैं घर का खाना, बाहर का खाना भी अवॉइड करती थी। लेकिन अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तो हमारे छोटे बेबी को मीठा खाने का बहुत शौक चला है। पहले मैं मीठा बहुत ही कम खाती थी, अगर तो कोई नमकीन रखती थी कि पहले मीठा खा लेती थी फिर उसके बाद कुछ नमकीन खा लेती थी, ताकि जो मुँह में ना नमकीन टेस्ट रहे, मीठा टेस्ट ना रहे। बट आजकल कुछ दिनों से, जब से लॉकडाउन लगा एक्चुअली स्पेशली, उसके बाद अभी खाने के बाद मुझे हमेशा मीठा खाने का मन करता है, क्रेविंग होती है। तो मैंने घर में जितने भी चॉकलेट्स थे सब मैंने ख़त्म कर दिए। पहले वो मतलब कितने दिनों तक रखे रहते थे, खाऊंगी मतलब मन नहीं करता था। लेकिन आजकल तो चॉकलेट्स कोई भी स्वीट ख़त्म कर दिया। तो आज हमारे छोटे बेबी को, जो उसको क्या रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो लकली मैंने आज सुबह दूध फाड़ा, और कल हमारा दूध पता नहीं दूध वाले ने कैसे दिया तो वो भी फट गया था, और आज मैंने 1 लीटर और फाड़ दिया। तो टोटल 2.5 लीटर का जो छेना है वो है मेरे पास, और मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ रसगुल्ला। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ रसगुल्ला जैसे कुछ ऐसे इतना मेहनती वाला काम करने वाली हूँ कुकिंग में। तो आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, कि सब अच्छा होने वाला है, अच्छा बने और हमारे बंगाली हस्बैंड को पसंद आए सब। चलिए देखते कैसे बनाया मैंने। गाइस आप देख सकते हैं कि दूध बॉयल हो ही रहा है, मतलब फर्स्ट बॉयल है ये। 1 लीटर दूध मैंने लिया है तो बस बॉयल हो ही रहा है। तो मैं इसमें फटाफट से 2 चम्मच ऑलमोस्ट ये विनेगर डाल देती हूँ, और देखिए आप देख सकते हैं विनेगर डालते तुरंत ये दूध फट गया। तो अभी मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और बॉईल करूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसे स्ट्रेन कर दूंगी। आप चाहे तो नींबू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नींबू से क्या होता है कि थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है। तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि विनेगर ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो आई यूज्ड विनेगर। नॉर्मल जो सिंथेटिक वाइट विनेगर आता है वो मैंने यूज किया है। तो मैंने अभी गैस बंद कर दिया है और ये अच्छे से अलग हो चुका है। अभी मैंने ये खाली बर्तन लिया है स्ट्रेन करने के लिए, और एक क्लीन मैंने ये हैंग की लिया है। तो अभी चलिए हम स्ट्रेन करते हैं। गाइज ये है 2.5 लीटर का छेना पूरा, काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी है। तो ये 2 अलग अलग टाइप के एक्चुअली छेने, 1.5 लीटर है हमारे जो गाय वाला दूध वाला देने आता है उसका, और 1 लीटर है पैकेट वाला। तो आई होप ये अच्छा बने और काफ़ी अच्छा क्वांटिटी हो गया। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, इसको इससे हमें मिक्स करना है ऐसे करके। एक्चुअली मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमें मिक्स करते रहना ताकि स्मूथ बने। और ये मैंने 2.5 लीटर के हिसाब से मैंने 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है। जस्ट लास्ट में मैं डालूंगी इसको, जब ये पूरा स्मूथ हो जाएगा उसके बाद सिर्फ बाइंडिंग के लिए, ताकि ये जो हमारा, जब मैं इसे चाशनी में डालने वाली हूँ ये छेना, तब वो उसे फटे ना, वो बाइंडिंग के लिए अच्छा होता है। आप इसके बिना भी वैसे बना सकते हैं, बट मैं ये डालने वाली हूँ मैदे को, तो काफ़ी मेहनत लगने वाली है, इसलिए मैंने अपना पानी का बॉटल साथ में रखा है कि मुझे प्यास लगेगी तो मैं साथ में पानी भी पीती रहूँगी। और फिर मिलते हैं, फिर इसको अभी मिक्स करके धीरे धीरे करती रहूँगी मैं थोड़ा ना ज़्यादा है तो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करने वाली हूँ, ताकि सारा इक्वली मैं उसे स्मूथ कर सकूँ। टाइम लगता है इसमें, तो
आई जस्ट होप कि ये अच्छा बने, बाहर जैसा बने। अभी तो कुछ अवेलेबल भी नहीं है बाहर से, तो सब कुछ अभी खुद से ही करना पड़ता है। मैंने इसे अच्छे से स्मैश कर लिया, मतलब सब एक साथ कर लिया है, और अब मैं डालूंगी इसके ऊपर मैदा। मैदा बस बाइंडिंग के लिए चाहिए, तो मैंने 2.5 लीटर का ये खोया है, तो मैं 2 चम्मच ऑलमोस्ट मैदा डालने वाली हूँ ताकि ये अच्छे से बाइंड हो सके, नहीं तो इसके चाशनी में खुलने के चांसेस होते हैं। तो इसको अच्छे से मैं अभी मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर हम बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इससे आराम से अभी 10 मिनट में मिक्स करने वाली हूँ। इस लॉकडाउन में तो मैं मास्टर शेफ जरूर बन जाऊँगी, देखना। एक्चुअली सब बन रहे हैं, सब इंस्टा देखो, फेसबुक देखो, सब अपना अपना कुकिंग टैलेंट दिखा रहे हैं। सही है, एवरीबडी इज नाउ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। एक्चुअली जिसको जो मन करे वो बना के खा सकते हैं। गाइज मैंने बॉल्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आई होप, मुझे बहुत डर लग रहा है जब तक ये बन ना जाए कि कैसा बनेगा। सब कुछ मैंने जो प्रोसेस मैंने देखा, अपनी मम्मी से भी पूछा, सब वैसे ही फॉलो किया है, बट आई डोंट नो कंसिस्टेंसी ठीक है कि नहीं। बहुत मेहनत तो कर रही हूँ, तो इस खुशी में प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे फन वीडियोज़ लेकर आऊँ, एक्सपेरिमेंट्स लेकर आऊँ जो मैं अपने लाइफ में करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेट में कि मैंने ऐसे इक्वली तोड़ लिया है। अब मैं इन सबको बॉल्स बनाऊंगी, सो दैट कि सारे बॉल्स एक तरीके का दिखे। इसको उबालूंगी मैं चाशनी में, तो डबल साइज का हो जाना चाहिए, आई होप मेरा भी हो जाए। तो इस वजह से मैंने सारे इक्वली मैंने तोड़ के रख लिए। अब मैं इसको धीरे धीरे करके ऐसे बॉल्स बना रही हूँ। तो आई जस्ट होप कि जैसा होना चाहिए ऑथेंटिक बंगाली रसगुल्ला वैसा बने आज हमारा। और वो क्या लगता है कि मेरे रसगुल्ले अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे आज? कोशिश तो काफी किया है एंड आई होप दैट ये अच्छे से बन जाए, बिकॉज़ आई एम आल्सो पूरी मेहनत मैं कर रही हूं विदाउट एनी हेल्प। आई मीन ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, मगर ऐसा नहीं कि यू नो आई वाज नॉट क्रेविंग आल्सो, आई वाज आल्सो क्रेविंग फॉर सम स्वीट। और ये जब बोली कि यू नो आई एम गोना मेक सम रसगुल्ला, तो मैंने खुद को बोल दिया बॉस कुछ नहीं बोलो, करने दो मेहनत। मैं तो सीधा फल खाऊंगा। हाँ। ये करेगी पूरी मेहनत। और इनके लिए आज मैं बना रहा हूँ घी, तो वो भी एक वीडियो आने वाला है मेरा चैनल में, सो आप लोग प्लीज देखना मत भूलिए, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वी आर ग्रोइंग एंड वी वॉन्ट टू ग्रो विथ यू। सो चलिए एक रसगुल्ला आप हमारे तरफ से आपके लिए, एक सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं रसगुल्ले, एंड आई एम होपिंग दैट। मुझे बहुत डर लग रहा है, डरने का बात नहीं है, रिव्यू से डर लगता है मुझे। मेरा रिव्यू से क्या डर लगेगा? आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। यू आर बंगाली, यू नो हाउ इट टेस्ट ना, फ्लेवर एंड ऑल व्हाटएवर। वो तो ठीक है, that main difference guys, I mean let me just tell you, if you guys are following this channel and if you are also trying to make this rasgulla, Bengali rasgulla aur jo bahar mein main bahut saalon bahar raha hu, Maharashtra mein raha, Gujarat mein hu abhi, to mujhe ek major difference pata chalta hai ki yahan pe chashni jo hai bahut ghara banta hai jo Bengal mein nahi banta hai। ओके तो आप कोई रसगुल्ला अगर किसी बंगाली के हाथ से या बंगाली मिठाई शॉप से अगर आप खा रहे हो, तो आपको ये नज़र में आता है कि यू नो इट इज़ वेरी सूदिंग इन टेस्ट। आई मीन वो जैसे एक यू नो एक शुगर हिट बोलते हैं ना दिमाग में हो जाता है, वैसा नहीं लगता है, यू नो इट डजंट हिट यू राइट ऑन योर हेड। मुझे वैसे ही स्वीट पसंद है। हाँ, और ये जो कैंड रसगुल्ले भी है, आई मीन उसमें चाशनी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो हम अभी कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा सूदिंग बनाए, थोड़ा सा हल्का मीठा बनाए, एंड मोस्ट ऑफ इटली अच्छा बने, प्योर ऑथेंटिक बने। सो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने 1 ग्लास चीनी ले लिया है, तो मैं 5 ग्लासेस ऑफ वाटर डालूंगी। तो मैंने गैस ऑन कर लिया, तो सबसे पहले मैं 5 ग्लास पानी डाल लेती हूँ। मैं 1 ग्लास चीनी डाल, और ये मीडियम
स्लो टू मीडियम फ्लेम में मैं रखने वाली हूँ इसको। मैं अभी मिक्स कर लेती हूँ, इसको ऐसे मिक्स कर लेती हूँ सो दैट चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। और हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अपने आप धीरे धीरे ये चाशनी बन जाएगा। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तब मैं इसमें अपने रसगुल्ले डालने वाली हूँ। और फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इलायची डाल सकते हैं। तो मैंने दो इलायची को ऐसे कूट के मैं इसमें डाल रही हूँ जस्ट फॉर फ्लेवर। अभी हमारा चाशनी बन गया है, देख रहे हैं आप बॉयल आ रहा है। तो अभी मैं इसका एक्चुअली हाफ डालने वाली, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था। तो ये 2.5 लीटर का, क्योंकि मैंने ये रसगुल्ले बनाए तो हम हाफ डालेंगे। मैं हाफ फिर सेकेंड बैच में बनाऊंगी। तो हम धीरे धीरे एक एक करके डालूंगी ताकि ये बॉयल्स खत्म ना हो। और हम इसे टच नहीं करेंगे अभी, इसको थोड़ी देर सेटल डाउन होने देंगे 2 मिनट। इसके बाद फिर हम इसको ढक के पकाएंगे। हो गया तो मैं थोड़ा सा इसको हिला लेती हूँ। अब मैं इसे 8 to 9 मिनट्स के लिए मैं इसे ढक देती हूँ। वो मीडियम पे ही रखा है और 8 मिनट्स के लिए मैं अभी छोड़ देती हूँ इसको। सो गाइस 8 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसको हटा के देखती हूँ। वाओ, आप देख सकते हैं कि कैसे ये डबल साइज का हो गया, डबल से भी आई थिंक ज्यादा हो गया। अभी हम इसे थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। एक फट गया देखो ना, एक फट गया यार। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम हो जाता है, इट्स ओके। बट थैंक गॉड कि एक ही फटा है, बाकी तो सब 100% में से अभी 5% अगर कुछ एरर हो भी गया तो दैट इज ओके, तो अभी मैं इसको खुले में 8 मिनट और पकाती हूँ, फिर हम इसे चेक करेंगे कि ये पक गया कि नहीं। तो 8 मिनट मैंने खुला भी पका लिया है, अभी हम गैस बंद कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये रसगुल्ले बने हैं कि नहीं। उसके लिए हम करेंगे ये वाटर टेस्ट, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे करेंगे। इसको बंद कर दिया, अभी एक रसगुल्ला हमने ले लिया और मैं इसको पानी में डालूंगी। अगर ये डूब गया तो पता चलेगा कि हमारा रसगुल्ला पक गया है। और यस, डूब गया, पक गया ये, यानी यस ये पक गया। ओके, तो अभी हम इसको अभी ठंडा होने तक के लिए हम इसे डूबा हुआ रहने देंगे ये चाशनी में, नहीं तो ये पिचक जाएंगे। चलिए हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैं हर रसगुल्ले के साथ थोड़ा थोड़ा चाशनी भी ले रही हूँ ताकि ये रसगुल्ला डूबा रहे, नहीं तो ये पिचक जाएगा और जब तक ठंडा नहीं हो जाता तक ये ऐसे ही रहेगा। सो गाइस हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं, तो एक्चुअली इनको गर्म रसगुल्ले खाने हैं। हम लोग जैसे ठंडा करके खाते हैं बट इनको गर्म खाने बोलते, गर्म बहुत अच्छा। तो मैं इनको गर्म ही सर्व करने वाली हूँ क्योंकि हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं। तो मैंने दो ऐसे कटोरी में निकाल लिए और अब हम इनको देने जा रहे हैं और इनका एक्सप्रेशन और इनका रिव्यू टेस्ट करेंगे। गरम 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 रसगुल्ले। So how are you feeling now? I'm feeling, मैं तबीयत तो अच्छा ही है मेरा और अच्छा बना दिया तुमने, because I apparently got this hot rasgullas। मतलब बहुत लोग, आप वीडियोस देखे होंगे कि लोग ठंडा करके खाते हैं, बट मैं कोलकाता से हूँ, मैं एक्चुअली वेट करता था कि मिठाई के दुकान के बाहर एक कप रसगुल्ले बने और वो गर्मा गर्म खा सके। ऐसे लोगों को मानना है कोलकाता में एक गर्म रसगुल्ले इज वेरी नाइस फॉर द स्टमक, स्पेशली इफ यू आर हैविंग स्टमक ट्रबल्स। हाँ, मेरे कोई स्टमक ट्रबल नहीं है, बट दिस इज अ डेलिकेसी। जैसे गुलाब जामुन गरम बहुत अच्छा लगता है, वैसे बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा अच्छा था कि थोड़ा सा गरम रसगुल्ला। बट लेट्स ट्राई, यू नो गरम रसगुल्ला। बट आपको कैसा लगता है?
मेरे को क्योंकि एगो हमारा थोड़ा सा फट गया तो ओके। जनरली यू नो बचपन से पापा बनाते थे रसगुल्ले घर में अगर बने तो, नहीं तो कोलकाता में इतना सारा ऑप्शन है कि हर अली गली में यू नो मिठाई का दुकान है, तो हम लोग को खरीदना ही बेटर लगता है बनाने से। सो दिस टाइम यू नो लॉकडाउन में इट इज बेटर, सो everybody is doing experiments, we both are you know cracking ourselves with experiments and fun in the Chotu house. Choto baby ko khane ka man. Haan, exactly. So I'm going to taste this and so let's see how it is. Choto baby ke papa khayenge pehle. Haan, I'm going to taste this. Thoda bahut zyada garam hai, so I would recommend thoda hawa low karke khana. Live expression. कैसा लग रहा है? How is the sweetness? Sweetness is absolutely fantastic. I mean, ज़्यादा मीठा भी नहीं है, ज़्यादा कम मीठा भी नहीं है, and नरम है, बहुत नरम है, and exactly वही taste है. Exactly वही taste है. मैं थोड़ा help कर देता हूँ. गरम. First time खुद का हाथ के बनाया हुआ है खाना खा रहे हैं, वो भी रसगुल्ले. खाना बनाया बट स्वीट में तो फर्स्ट टाइम बनाया मैंने आज। कैसा है? कुछ अलग है? एकदम मुंह में एकदम मेल्ट हो गया। Exactly, पूरा एकदम मक्खन जैसा लगता है एकदम। You know, this is the good thing about it that हम जब गर्म चीजें खाते हैं तो it melts in your mouth, okay? रसगुल्ले के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, रसगुल्ले इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन। सो घर में बनाएंगे राइट, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल। आई होप यू एंजॉयड टुडेस वीडियो, और आज हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सक्सेसफुल रहा, लाइक 80% तो हो गया सक्सेसफुल, राइट? 80% तो 95% सक्सेसफुल, वो एक तो टूट गया है तो दैट इज ओके, इतना तो चलता ही है। फर्स्ट टाइम कुछ बना रहे तो नेक्स्ट टाइम विल बी केयरफुल, until next time, bye guys, don't forget to like, share and subscribe to my channel, bye guys.